वेल माइडेड स्टूडेंट्स द कोर्स इज लेबर पॉलिसी पाकिस्तान एंड द टॉपिक इज करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज़म सबसे पहला जो फीचर है कैपिटलिज्म का वो है मार्किट फिन मार्किट्स वो जगह होती हैं जहाँ पे सैलर्स कट्ठे होते हैं बायर्स इकट्ठे होते हैं और डिमांड एंड सप्लाई के प्रिंसिपल को लगाकर देखा जाता है कि कौन सी चीज़ों की डिमांड है उन्हें प्रोड्यूस किया जाए और कैसे प्राइस मैकेनिज्म जो है वो अपना वहाँ पर रोल अदा करें मार्केट्स दो तरह की होती हैं एक लेसिस फेयर के प्रिंसिपल के ऊपर हैं लेसिस फेयर का मतलब है लीवा सलोन यानी उसमें गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस जो होती है वो बिल्कुल नहीं होती इसको लेसेस फेयर कहा जाता है और मार्केट की फोर्सेज डिटरमिन करती हैं कि कौन सी चीज़ प्रोड्यूस होगी कितना प्रॉफिट होगा और डिमांड एंड सप्लाई का असूल जो है वो मैकेनिज्म अप्रिशिएट किया जाता है दूसरी इसकी काइंड मार्केट की है और जिसको हम ये कह सकते हैं कि मिक्स्ड इकोनॉमी की बात की जा रही है कि जिसमें गवर्नमेंट जो है वो रेगुलेशंस के जरिए से मार्केट को कंट्रोल करती है ताकि स्टेबिलिटी एक स्टेट में कायम की जा सके ताकि सोशल जस्टिस को प्रमोट किया जा सके कोई एक क्लास दूसरी क्लास को जैपटाइज ना कर दे इसलिए जो मॉडर्न मार्किट्स हैं उनमें जो सरकार होती है वो रेगुलेशंस के जरिए से इंटरफेरेंस करती रहती है ये इसलिए भी जरूरी होता है कि नेचुरल रिसोर्सेज कहीं इेगुलर तरीके से एग्जॉस्ट ना हो जाएं कहीं पे कोई पब्लिक डिसऑर्डर ना हो जाए और पर्पस इन नट ये है कि सोशल जस्टिस बरकरार रहे दूसरा फीचर जो कैपिटलिज्म का है वो है प्रॉफिट मोटिव कैपिटलिज्म से मुतलका थियरीज ये कहती हैं और इस जिमन में एक इकोनोमिस्ट हैं ऑस्ट्रियन जिनका नाम है हेनरी हैजलिट वो एक्सप्लेन करते हैं कि इफ देर इज नो प्रॉफिट इन मेकिंग एन आर्टिकल इट इज अ साइन दैट द लेबर एंड कैपिटल डिवोटेड टू इट्स प्रोडक्शन आर मिस डायरेक्टेड तो सीधी सी बात है कोई शख्स कोई चीज क्यों प्रोड्यूस करेगा जब तक के उसमें प्रॉफिट नहीं है और ये इकोनॉमिस्ट ये कह रहे हैं कि अगर प्रॉफिट बनाना उस आर्टिकल के प्रोड्यूस करने में मौजूद नहीं है तो कैपिटल और लेबर मिसडायरेक्टेड है इन अदर वर्ड्स माय डियर स्टूडेंट्स प्रॉफिट्स लेट कंपनीज नो वेदर एंड आइटम इज वर्थ प्रोड्यूसिंग और नॉट तो प्रॉफिट का फैक्टर है जो ये बताता है ये गाइड करता है कंपनीज को कि क्या यह चीज बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए तो प्रॉफिट मोटिव इज द वेरी ग्लेयरिंग फ्यूचर ऑफ कैपिटलिज्म हर्नांडो डी सोटो इज एन अदर इकोनोमिस्ट जिन्होंने एक और फीचर जो है कैपिटलिज्म का बताया है वो है प्रॉपर्टी राइट्स वो कहते हैं कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म इज द फंक्शनिंग ऑफ अ स्टेट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स प्रॉपर्टी राइट्स।, राइट्स क्या हैं कि एक इंडिविजुअल फर्म एक कंपनी प्राइवेट एसेट्स को ओन कर सकती है और फिर ये जो प्रॉपर्टी राइट right है किसी एसेट्स या एसेट्स को ओन करने का कैपिटल की फॉर्मेशन का जरिया बनता है तो प्रॉपर्टी राइट्स जो हैं ये कैपिटलिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है द फोर्थ क्रैक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म इज इकोनॉमिक ग्रोथ कि अगर आपकी वेल्थ में इजाफा नहीं हो रहा नेशन की वेल्थ में इजाफा नहीं हो रहा तो फिर तो कोई फायदा नहीं है तो कैपिटलिज्म का फिनोमिना इस चीज की फेवर करता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो और इस सिलसिले में जो जीडीपी का इंडिकेटर है वो बहुत इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कि एक मुल्क में कैपिटलिस्टिक मोड से काम करते हुए कितनी जीडीपी ग्रोथ हुई है तो माय डियर स्टूडेंट्स इकोनॉमिक ग्रोथ इज आल्सो वेरी ग्लेयरिंग फीचर ऑफ कैपिटलिज्म होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक थैंक यू